चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव अठारियों की खबरें। चूरू के सादलपुर में 5 दिन पहले स्टेशन सड़क पर एक महिला से पर्स छीनकर ले जाने के मामले में पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। दौसा के सिकराय में सिकंदरा में एसडीएम की आईटी केंद्र परिसर में चौपाल हुई, जो रात्रि चौपाल की सूचना नहीं होने से ग्रामीणों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। झुंझुनू के खेतरी में बारूद के विस्फोट से एक बच्चा घायल हो गया, जहां बच्चा नीस के पास खेत में खेल रहा था। धौलपुर के सैंपो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चिकित्सक मस्त और मरीज पस्त नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि सीएससी स्तर के चिकित्सालय में मरीजों की ओपीडी महज एक चिकित्सक के भरोसे संचालित हो रही है। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा से मिलकपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क पर गहरे गड्ढों से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। भरतपुर के सीकरी में ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद लेने वाले किसानों की भारी भीड़ होंगी। सचिव ने बताया कि खाद की खेप पिछले कई दिनों से नहीं आई थी, इसलिए खाद की गाड़ी की सूचना पर किसानों की भीड़ रही। सिरोही के शिवगंज में उत्तरी हवाओं से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं और रात का पारा 8 डिग्री पर पहुंचा है। सिरोही के रेवदर में नवनिर्मित हनुमान जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ, जहां प्रतिमा को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न कर मंदिर में विराजित किया गया। सवाई माधोपुर के खंडार में पंचायत परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सामाजिक समता दिवस मनाया गया। झालावाड़ के कानपुर में पुत्री ने पिता की हत्या की आशंका जताई, जबकानी में बिना सूचना के अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां इस दिगासे पर 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। सीकर के पिपराली कस्बे के साथ साथ जिले भर में बाबा भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जिले भर में कई कार्यक्रम हुए हैं, तो वहीं जिला प्रमुख अपर्णा रोलन ने भीमराव अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहेब को फूलमाला चढ़ाया। चूरू के सारासर में दुकानदार 10 के सिक्के नहीं ले रहे हैं, जिससे ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोले द्वारा पालिका के समस्त ठेकेदारों तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों की अनौपचारिक बैठक नगर पालिका के सभा भवन में ली गई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका संबंधी समस्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही पालिका के तकनीकी अधिकारियों को गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरती जाने हेतु पाबंद किया गया। साथ ही अध्यक्ष द्वारा ठेकेदारों को विश्वास दिलाया कि आप अपना कार्य आपको दिए गए कार्यादेश में वर्णित अवधि में ही पूर्ण करें, आपको भुगतान संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। अजमेर के केकड़ी शहर में जयपुर रोड से छाबड़िया गांव तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सड़क दुरुस्तीकरण को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा के इटावा में पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना छुआरी पहुंचे, लोक देवता पापूजी महाराज के देवस्थल का उन्होंने निरीक्षण किया, वहीं अधिकारियों के साथ मिलकर स्थल के विकास की योजना बनाई। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को बैठक का आयोजन सरपंच मांगीलाल की अध्यक्षता में किया गया। सरपंच मांगीलाल ने कहा कि कस्बे में नए साल पर कस्बे वासियों को पट्टे मिलना शुरू हो जाएंगे। आबादी भूमि गैर मुमकिन आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज है। झालावाड़ के खानपुर में लंबे वक्त से उजाड़ खारन नदी की पुलियां क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही बरकरार है। बाड़मेर के सिवाना में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से शिक्षकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी। बीईओ हनुमान राम चौधरी ने बताया कि 6 दिसंबर यानी आज विज्ञान और 8 दिसंबर को गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक इसमें भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में आदर्श कॉलोनी स्थित शिवाजी पार्क में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन व्यासपीठ से कथावाचक पंडित राम प्रपन्नाचार्य महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के विभिन्न प्रसंगों की विवेचना करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर पापियों और पापों का विनाश करने के लिए ही जन्म लिया था। इस अवसर पर उन्होंने नंदोत्सव व गोवर्धन लीला प्रसंगों पर भावपूर्ण व्याख्यान कर भक्तजनों को भाव विहल कर दिया। नंदोत्सव पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए, जबकि भक्तजनों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे की मुख्य नालियों की सफाई कराई जा रही है, जिससे बालाजी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी से राहत मिलेगी। जोधपुर के शेरगढ़ तहसील क्षेत्र के खिरजा खास निवासी अमर शहीद प्रभु सिंह की शहादत को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके पैतृक गांव पहुंची और शहीद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर शहीद की शहादत को नमन किया। वहीं उन्होंने शहीद के पिता चंद्र सिंह को ढांढस बताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं और परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। झालावाड़ के अकलेरा में सरकार ने एलईडी बल्बों की कीमत घटा दी है।
उजाला कार्यक्रम के तहत 9 वाट के बल्ब की कीमत घटाकर 65 रुपए प्रति बल्ब कर दिया गया था। बल्ब की कीमत 80 रुपए प्रति बल्ब थी, लेकिन उपभोक्ताओं से 110 से 130 रुपए तक लिए जा रहे थे। उदयपुर के झाड़ोल में नोटबंदी के कारण परेशान किसानों के लिए अब फायदे की खबर है। अब किसानों के पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो कृषि विभाग के रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी से खाद बीज ले सकेंगे। इसको लेकर विभाग ने जिले की सोसाइटियों को उर्वरक वितरण के लिए POS मशीनों का वितरण किया है। इस मशीन के जरिए किसानों को अपने खाते से राशि कटवाकर आसानी से खाद बीज मिल जाएंगे। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के छाबड़ीपुरा गांव के पास से एक बाइक सवार होकर आए 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित के साथ जबरदस्त मारपीट कर सड़क की एक साइड में पटक कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई और नाकाबंदी कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर दुकानदार और ग्रामीण प्रशासन के विरोध में लामबंद हुए, जिसको लेकर कस्बे के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल के लिए बंद किए। दरअसल हाईकोर्ट ने पेशी के दौरान अतिक्रमण तोड़ने के आदेश दिए थे, उसके बाद जयपुर से खाटू श्याम जी पहुंचे तहसीलदार ने अधिकारियों के साथ मुख्य VIP मार्ग में अतिक्रमण में आ रहे धर्मशाला दुकान और मकानों को खाली करने के मालिकों को कहा। बंद के दौरान दुकान बंद कराने को लेकर पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश हरनाथ का व दुकानदार में मारपीट हुई, जिसको लेकर दोनों पक्ष थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के बांसूर में राज्य सरकार की उदय योजना के तहत बिजली के अवैध ट्रांसफार्मर को उतारकर जब्त करना और बिजली चोरी पर रोक लगाने की कार्रवाई पर प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों का असहयोग रहता है, जिससे कार्य में रुकावट होने से कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्पिनपैट श्रमिकों ने मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल स्पिनपैट इकाई गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ के बंद हो जाने से 3,000 मजदूरों व कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर श्रमिक लगातार मिल को चालू कराने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों के लगातार संघर्ष की बदौलत राज्य सरकार ने स्पिनपैट मिलों के संचालन हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर सुझाव मांगे थे, लेकिन पिछले 3 महीने का वेतन, दीपावली का बोनस लंबित पड़ा है। श्रमिकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट है, श्रमिकों में भयंकर असंतोष है। उदयपुर के कोटरा में सरकार जनजाति छात्राओं को बेहतर माहौल और अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है, परंतु मुख्यालय पर संचालित जनजाति बालिका छात्रावास के हालात इसके बिल्कुल विपरीत है और छात्रों को यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। भरतपुर के नगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज लोभी पति को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। गिरसे थाना डीग निवासी नरेश पुत्र श्याम बाबू जाट को दहेज के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। झालावाड़ की डग पंचायत समिति में अतिक्रमण और जाम के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार गणेश चौक, गंगधार दरवाजा, नीम चौक, होलीथला बाजार, बुधवारिया बाजार से कस्बे का पुराना बस स्टैंड इन दिनों अतिक्रमण और जाम की मार झेल रहा है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार 27वें दिन से अनशन कर रहे किसान यूनियन के बुजुर्ग नेता रामस्वरूप वर्मा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन का दिल अभी नहीं पसीजा और कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। पाली के देसुरी बस स्टैंड स्थित भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया गया। इस दौरान वरिष्ठ मित्रों खान पठान, दीपक आद्रा सहित कई स्थानीय लोगों ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। भरतपुर के कामा में दिल्ली गेट निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन किया, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए कामा अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन हालत चिंताजनक होने के कारण डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। भरतपुर के कुमेर कस्बे के वार्ड पार्षदों ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए नगर पालिका चेयरमैन महेंद्र सिंह से कस्बे में यात्रियों और राहगीरों के लिए सुलभ शौचालय बनवाने की मांग की। अलवर के बांसूर में SDM ममता यादव ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी BLO उपस्थित मिले, BLO को आवश्यक गतिविधियां आयोजित करने, महिला मतदाताओं को जोड़ने आदि को लेकर निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ के राशमी में हरनी महादेव स्थित धर्मशाला में कीर समाज जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के चुनाव किए गए। इसमें भड़ालीखेड़ा के सत्यनारायण कीर जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर कोदूकोटा के गोपाल कीर और सचिव पद पर आरजिया के धर्मेश विजयी रहे। वहीं मतदान में जिले के 60 से ज्यादा गांवों से आए मतदाताओं ने हिस्सा लिया। और खबर पंचायत में एक बार फिर वक्त ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।